हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पर बनाने का मकसद मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो आप लोगों को डीमोटिवेट करना नहीं है, मोटिवेट करना है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ा जो है डाउट क्लियर करूंगा। और दोस्तों, ये आप सबके मन में कहीं ना कहीं चलता ही है। और आप लोगों ने जैसा कि टाइटल देखा कि ये वीडियो आज का पूरा मोनेटाइजेशन को लेकर ही है। तो वीडियो को आप लोग दोस्तों एंड तक देखना, और चैनल पर नहीं होते या सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिएगा आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग के मन में, आप लोग के जहन में हमेशा एक चीज़ तो जरूर चलती होगी, और वो है आप लोगों का कि मेरा मोनेटाइजेशन कब इनेबल हो जाएगा। ये सबके मन में चलता है। जैसे कि आप लोगों का क्या है कि कहीं कैसे हैं कि नए यूट्यूबर हैं जिसने यूट्यूब चैनल ओपन किया है आपने, या फिर आपका कुछ दिन हो चुका है। तो किसी का क्या है कि आज से चैनल बनाया है और उसने वीडियो अपलोड करना आपने जैसे शुरू किया है, तो आपका रोज कुछ ना कुछ वॉच टाइम आता है। तो आप दिन भर में 15 से 20 बार 25 बार आप खुद का ही YT स्टूडियो ओपन करके देखते ही होंगे कि आपका सब्सक्राइबर्स कितना हुआ और आज का वॉच टाइम अभी आपका कितना कंप्लीट हुआ। और आप लोग सोचते हो कि मोनेटाइजेशन इनेबल करने का जो क्राइटेरिया है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 आवर्स वॉच टाइम होने के बाद आपका जो है कंप्लीट हो जाता है मोनेटाइजेशन। तो ऐसे में आप लोग का दिमाग में हमेशा आप YT स्टूडियो खोल करके जरूर चेक करते होंगे कि यार मेरा मोनेटाइजेशन कब इनेबल हो जाएगा। आपका क्या होता है कि कई सारे यूट्यूबर्स का सब्सक्राइबर्स जो होता है 1000 वो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जब आता है बात यहाँ पर 4000 आवर्स वॉच टाइम कंप्लीट करने की, तब समझ में आता है कि नहीं, ये तो बहुत हार्ड है, इसको कंप्लीट करना आसान नहीं है। क्योंकि हम किसी को बोल करके सब्सक्राइब करवा सकते हैं, लेकिन वो वीडियो उसको वो देखेगा कि नहीं देखेगा वो तो हम नहीं करवा सकते। और 4000 घंटा का वॉच टाइम जो है बहुत बड़ा नंबर होता है, आप लोग जैसा कि लगता है सारे यूट्यूब क्रिएटर्स को ही लगता है और मुझे भी लगता था। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि कई सारे मेरे पास ईमेल्स आते हैं, DM आते हैं कि कई ऐसे यूट्यूबर है जिनका जो है वॉच टाइम मान लीजिए कंप्लीट होने को है, जिसका मान लीजिए 3500 घंटा हो गया, मतलब 3500 घंटा हो चुका है और 500 आवर्स होने से उसका कंप्लीट हो जाएगा। तो वो मुझे DM करते हैं, मेल करते हैं कि मनोज भाई थोड़ा सा आप अपना इंस्टा पे स्वाइप अप डाल दो, या फिर कहीं पे मुझे शेयर कर दो, मुझे प्रमोट कर दो, तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। मनोज भाई प्लीज मेरा मोनेटाइजेशन इनेबल करवा दो, थोड़ा हेल्प कर दो। तो इसी के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आप सबके जो ये जहन में जो एक बात चलती है कि यार मेरा मोनेटाइज हो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा ये क्राइटेरिया और मेरा मोनेटाइज हो जाएगा और उसके अगले दिन से मैं जो हूँ यूट्यूब से पैसे कमाने लगूंगा, तो ये बात आप अपने जहन से बिल्कुल से हटा दो। इसीलिए आज का ये वीडियो बना रहा हूँ। और आप लोगों को फिर लास्ट में मैं बताऊँगा कि आपको करना क्या है। आप लोगों के मन में जो चलता है ना कि मेरा मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाएगा तो मैं अगले दिन से पैसे कमाने लगूंगा, वो बात बिल्कुल से गलत है। अभी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करता हूं कि आपका चैनल में मान लीजिए 1000 सब्सक्राइबर्स है, 1 के जगह आप मान लीजिए 2000 सब्सक्राइबर्स है, और आपका 4000 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट हो गया और आपका मोनेटाइजेशन इनेबल हो गया आज। अब आपका जब 1500-2000 सब्सक्राइबर्स है, आपका व्यूज़ कितना आएगा पर वीडियो पे? 400-500 मैक्सिमम 1000, उससे ज़्यादा तो आएगा नहीं, 1000 से जाता ही नहीं। अगर आपका 2000 सब्सक्राइबर्स है तो आपको 400-500 ही व्यू आएगा, 200-400-500 इस तरह। तो मान लीजिए आपका पर डे 400-500 व्यू आएगा, तो आप कितना पैसा कमा लोगे यूट्यूब से? आपका पर डे हाफ डॉलर भी अर्न नहीं होगा। अब इसको एज ए प्रूफ मैं दिखाऊंगा एक चीज़, यहाँ पे सिर्फ मैं बताऊंगा नहीं, तो चलिए उसको दिखाते हैं। तो गाइज, आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों को पता है कि मेरे पास मेरे 3 चैनल है, एक मनोज दे जो आप देख रहे हो, दूसरा है मनोज दे ब्लॉग्स, और तीसरा है एक एक्टर मनोज दे, जिसपे मैं कॉमेडी वीडियोज वहाँ पर जो है कुछ इंस्पायरिंग टाइप का वीडियोज बनाता था। अभी फिलहाल लॉकडाउन से वो काम बंद हो चुका, तो उस चैनल का नाम मैंने कर दिया है मनोज दे गेमिंग, और मैंने 2 दिन उसमें पबजी भी खेला था, लेकिन पबजी गेमिंग मैंने सोचा था कि उसमें गेमिंग करने लगूंगा, लेकिन यहाँ पर नहीं पॉसिबल है क्योंकि दोस्तों मैं रहता हूँ विलेज में, यहाँ पर कोई भी ब्रॉडबैंड सर्विस नहीं है, किसी भी तरह का वाईफाई का सर्विस नहीं है। मैं यहाँ पर एयरटेल का सिम यूज करता हूँ, उसी में नेटवर्क भरवाता हूँ और उसी से अपनी वीडियोज को अपलोड करता हूँ। बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ता है, इस पर एक वीडियो आएगा कि मैं अपनी वीडियोज को अपलोड कैसे करता हूँ, एक ब्लॉग आएगा ब्लॉग वाले चैनल पर, आप लोग वेट करो मैं डालूंगा। तो यहां पर बात करते हैं मेन मुद्दे की कि मैं यहां पर पबजी गेमिंग कर नहीं पाया, तो उस चैनल पर मैंने 2 दिन तक गेमिंग किया था सिम से, अपने ऐसे बेसिक से नेटवर्क से, लेकिन उससे नहीं पॉसिबल हुआ तो मैंने उसको बंद कर दिया। अब यहां पर बात करते हैं उस चैनल का जो है, यहां पर अर्निंग में दिखाऊंगा और व्यूज दिखा दूंगा पर डे कितना आता है। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ दोस्तों, अभी आप देख सकते हो मैं अपनी YT स्टूडियो पे आ चुका हूँ, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है। मेरा सब्सक्राइबर्स अगर मनोज दे गेमिंग चैनल की बात करें तो 42000 है, 42K सब्सक्राइबर्स है। अभी दोस्तों मैंने 2 दिन यहाँ पर पबजी गेमिंग किया था, उसके बाद कुछ कॉमेडी वीडियोज थे उसको मैंने हाइड कर दिया, सारा प्राइवेट किया हुआ। तो यहाँ पर आप अर्निंग की बात करें तो दोस्तों लास्ट 28 डेज में आप होम पेज में देख सकते हो योर एस्टिमेटेड रेवेन्यू कितना है, $0.16, ओनली $0.16 लास्ट 28 डेज में अर्निंग है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा व्यूज़ के हिसाब से दिखाता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर मेरा पर डे का जो व्यूज़ आता है इस चैनल पर अभी भी 600-700 व्यूज़ आता है पर डे, और 600-700 व्यूज़ का जो अर्निंग होता है वो आप लोग यहाँ पे देखोगे तो $0.1, कभी $0.2, कभी $0.3, कभी $0.4, मतलब $1 नहीं, हाफ डॉलर नहीं, उसका 4 भाग भी नहीं, $0.5।
$0.5 का मतलब अगर आप इसका इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करोगे तो 2 से 3 रुपया होगा। तो मान लीजिए आपका 4 रुपया भी पर डे होगा तो मंथली कितना अर्निंग होगा मेरा इस चैनल से, 120 रुपया। 120 रुपया अगर मंथली अर्निंग होगा तो $100 का मतलब होता है 7,500, 7,500। तो 120 रुपया अगर आप महीने में कमाओगे तो 7,500 $100 होने में आपको कितना टाइम लगेगा, 7,500 रुपया होने में 10 साल लग जाएगा। आप करोगे 10 साल तक यूट्यूब, आपके उतने अंदर में पैसेंस रहेगा कि मैं 10 साल तक वेट करूँगा 7,000 रुपया आने के लिए? नॉट पॉसिबल, कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ पर मैं यही चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि जब आपका नया चैनल होता है, जब आपका क्राइटेरिया पूरा होता है, जब मोनेटाइज हो जाता है, तो मोनेटाइज होने के बाद आप सबके मन में कहीं ना कहीं ये चलता होगा कि यार बहुत इनकम होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका पर डे $0.2 $0.3 आएगा। जिनका मोनेटाइज हो चुका है, जिनका ऐसा सीन है, वो लोगों को पता है, आप लोग कमेंट पर बताना, मुझे सब कुछ पता है कि किनके साथ क्या यहाँ पर क्या बीतता है। जिनका मोनेटाइज हो गया है वो सोचता है कि यार मोनेटाइज होके ही क्या फ़ायदा हुआ, और जिनका नहीं हुआ है वो सोचता है कि यार मेरा मोनेटाइज कब इनेबल हो जाएगा, ऐसा सीन है। कमेंट्स पर आप लोग बताना कि आप सबके साथ ऐसा होता है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप सबके जो जहन में ये चलता है कि मोनेटाइज 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 हो जाएगा तो मैं पैसे कमाने लगूंगा, ये बिल्कुल से हटा देना, पैसा अर्निंग नहीं कर पाओगे यहाँ पे। तो आप बताओगे कि मनोज भाई तब करना क्या है, मोनेटाइज तो करना ही होगा। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए कि मेरा मोनेटाइज हो जाएगा तो मैं पैसे कमा लूँगा। आपके दिमाग में इसके अलावा, इसके बावजूद आपका ये चलना चाहिए कि मुझे अपना चैनल को बड़ा करना है, मुझे सब्सक्राइबर्स बेस बनाना है, मुझे अपने वीडियो को वायरल करना है, मुझे वीडियोज़ पे व्यूज़ लाना है। जिस दिन आप ये सोचने लगोगे तो आप अपना चैनल को बड़ा करने के चक्कर में रहोगे तो आपका चैनल बहुत ऊपर तक जा सकता है। सिर्फ आप मोनेटाइजेशन के चक्कर में रहोगे तो आप क्या करोगे, जब तक 4,000 घंटा वॉच टाइम नहीं होगा तब तक तो आप खूब जोश जुनून के साथ काम करोगे, वीडियो डालोगे, यार जल्दी से कंप्लीट हो जाए तो मेरा मोनेटाइज हो जाएगा। जब आपका अर्निंग नहीं आएगा, जब आपका $0.1 $0.5 पर डे आएगा, तब आप वहाँ पर डिमोटिवेट होने लगोगे, फिर आप वहाँ पर फ्रस्ट्रेट होने लगोगे कि यार कुछ फायदा ही नहीं हुआ, यूट्यूब से तो पैसा ही नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि बता दो दोस्तों, यूट्यूब पे गूगल पिन आने के लिए $10 की जरूरत पड़ती है। जब आपका $10 होता है तो आपका गूगल का पिन आता है, तो वो गूगल पिन तक आपका नसीब नहीं होगा क्योंकि $10 आपका होगा ही नहीं। आपका रोज $0.4 $0.5 तो ऐसे में आपका $10 होगा ही नहीं। अगर मैं पूरे महीने में आपने जो है 30 डेज में $4 अर्न किया, $4 अर्न किया तो आप सोचोगे कि चलो ढाई महीने में तो हो जाएगा, 2 महीने में $4-4 $8 और आधा महीने में $2, तो मान लो 3 महीने में हो जाएगा, तो आप सोचोगे कि मेरा गूगल पिन आ जाएगा, लेकिन ऐसा होगा ही नहीं। आप $4 अर्निंग होगा मंथली, और मंथ के एंड में यूट्यूब जो है अभी अर्निंग काट लेता है, वो आप में से सबको पता है, जिनका मोनेटाइज है उनको पता होगा। $4 अर्निंग होगा, यूट्यूब क्या करेगा, मंथ के एंड में आपका $2 काट लेगा, आप 4 की जगह 2 हो गया। फिर अगले महीने आप 4 अर्न करोगे, 4 की जगह देखिएगा फिर उसका 2 काट के आपको 2 दिया, तो आपका महीने में $2 करके $10 होने में ही 5 महीने लग जाएंगे, $100 होने में पता नहीं 3 साल ना 4 साल लग जाए। तो ऐसे में आप पूरा वहाँ पर फ्रस्ट्रेट होगे, पूरा यहाँ पर डिप्रेशन में जाओगे, आप लास्ट में एंड में यूट्यूब ही छोड़ दोगे। तो आप लोगों से ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोग कमेंट DM ईमेल जो करते हो कि मेरा भाई मनोज भाई थोड़ा हेल्प कर दो, मेरा मोनेटाइज हो जाएगा, या फिर आप खुद ही सोचते हो कि चलो किसी तरह से हो जाए किसी तरह से हो जाए, तो ये बिल्कुल सोचना छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं होने को है। तो फिर आपको सोचना यही है कि आपको चैनल को बड़ा करना है। अगर मैं खुद का एग्जांपल दूं गाइस, तो मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है 10 मंथ के बाद, और जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था उस टाइम मेरा सब्सक्राइबर्स की बात करें तो था 33K, 33,000 सब्सक्राइबर्स था, और मेरा पर डे का उस वीडियोज पे मेरा एवरेज व्यूज उस टाइम 4,000-5,000 आता था, और एक एक दिन में टोटल व्यूज जो है 30,000-40,000 व्यूज आ जाता था। 30,000-40,000 व्यूज आने की वजह से मेरा जिस दिन मोनेटाइज हुआ, जैसे आज चैनल मोनेटाइज हुआ, उसके बाद से ही पर डे का मेरा $4-5 अर्निंग होता था एक एक दिन में। तो मेरा जो उतना लेट में मोनेटाइजेशन इनेबल हुआ था, तो मुझे उसमें घाटा नहीं हुआ है, बहुत फायदा हुआ है, मैं बहुत ज़्यादा खुश था। और मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मोनेटाइज मेरा हो, मैं अपना सिर्फ काम करते रहता था, मुझे पता था मोनेटाइज तो हो ही जाएगा, मोनेटाइज आज हो जाए तो आज ही से मैं अर्न करने लगूंगा, लेकिन सबसे पहले चैनल तो बड़ा कर लूँ, ऐसा मेरे दिमाग में चलता था। अब जिस दिन मोनेटाइज हुआ उसके बाद से दिन मेरा $5 करके अर्निंग होने लगा, और मेरे पहले मंथ में ही गूगल पिन भी आ गया, अब पहले मंथ के में ही पहला पेमेंट भी आ गया, और मेरा पहला पेमेंट ही आया था $200 के करीब, मतलब 14,000 रुपये। इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है माई फर्स्ट पेमेंट, जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर चेक कर सकते हो, मनोज देव फर्स्ट पेमेंट लिखना यूट्यूब पर सर्च करना, मेरा वीडियो आ जाएगा। वहाँ पर मैंने बताया था मेरा फर्स्ट पेमेंट आया था 13,500 या 14,000 के करीब, 14,000 फर्स्ट मंथ में ही पेमेंट आया था। तो ये देखकर कितना खुशी हुआ, और मैं वहाँ पर फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ क्योंकि मैंने चैनल को पहले ही बड़ा करके रखा था। अब मैंने क्या किया कि हर मंथ मैं यूट्यूब से अर्न करने लगा अच्छा खासा, और धीरे 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 अर्निंग बढ़ता गया, धीरे धीरे चैनल बड़ा होने लगा तो अर्निंग भी बढ़ते गए। तो ऐसा सीन था मेरे साथ, तो इसलिए आज शायद से मैं यहाँ पर टिका हुआ, क्योंकि मैं डिमोटिवेट कभी नहीं हुआ। और आप लोग यदि ये सोचकर कर रहे हो कि मेरा मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाए तो मोनेटाइजेशन तो इनेबल हो जाएगा, किसी तरह से आप कर लोगे, आज हो जाएगा, फिर अगले दिन से आप 3-4 महीने के बाद खुद डिप्रेशन में जाओगे, खुद फ्रस्ट्रेट होगे, डिमोटिवेट होगे, यूट्यूब को लास्ट में एंड में छोड़ दोगे, यही होगा।
तो आप लोगों का ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को यही समझाना था कि ये जहन में जो चलता है कि मोनेटाइज 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 ये हटा देना और हमेशा सोचना कि अपने चैनल को बड़ा करना है। जब आपका चैनल बड़ा होगा, सब्सक्राइबर्स बेस बन जाएगा, तो अगर मोनेटाइज नहीं भी होगा तो भी आप बहुत पैसा कमाओगे। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि 1000 सब्सक्राइबर्स में भी मंथली आप 20,000 कमा सकते हो अगर आपका 1000 सब्सक्राइबर्स भी है। लेकिन चैनल उस कैटेगरी का होना चाहिए, रिस्पेक्टेड चैनल होना चाहिए, कुछ रिस्पेक्ट बोल के आपके चैनल में होना चाहिए, कुछ एक नीच पे काम करना चाहिए, आपका जेन्युइन कंटेंट होना चाहिए, फिर आपके पैसे की कभी कमी नहीं होगी। फिर आपका मोनेटाइजेशन से जो एडिशन से पैसा आएगा उसको आप ध्यान तक नहीं दोगे, आप सोचोगे ही नहीं कि यार मोनेटाइजेशन से मेरा एडिशन से कितना पैसा आ रहा, आपका अदर इतने सोर्स बन जाएंगे पैसे कमाने के। तो चलिए, उम्मीद करूंगा आज के वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ। अच्छे से काम करो, चैनल को बड़ा करने की सोचो, बस इतना ही कहना है। बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना, साथ ही मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करना, मेरे यूजर नेम मनोज23, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।